और गाइस आप लोग देख रहे होगे सामने एक लेडीज जा रही है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को यही इसमें बताना चाहता हूँ वीडियो में कि आप अगर पीछे कोई भी लेडीज को बैठाते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं जा रहा हूँ बाहर क्योंकि शाम हो चुकी है। आज का रोज ही जाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो एकदम बाहर शाम हो रखी है। और मेरे दोस्तों ने लोगों को कॉल करके बुलाया था कि 4 बजे आ जाना, वैसे सभी 4:30 हो रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या क्या होता है। मम्मी अपना कुछ काम कर रही है और उन्होंने लगाया है, बताऊँ क्या, बाल में कलर देखी नहीं, तो उन्होंने बाल में कलर लगाया हुआ है। और जब तक वो नहाई वाई उतना देर बैठ के मैं क्या ही करूँगा, तो जा रहा हूँ बाहर, देखते हैं क्या होता है हम लोग के साथ। चलिए तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और बस पाटलिपुत्र जा रहे हैं। शिवम ने फ़ोन किया था कि कहाँ है, बस आ ही रहा हूँ। तो मैं लेट हो चुका हूँ थोड़ा, तो शायद वो लोग आ चुका है, शायद ही अब आया कि नहीं आया, कोई कन्फर्म नहीं है। तो ये इतने सारे पाइप्स क्या चीज़ के रखे हैं पता नहीं, लगता है डोरेमोन का, लेकिन वहाँ पे रख देते पाटलिपुत्र में तो बैठने में मज़ा भी आता। गाइस चलते हैं डायरेक्ट पाटलिपुत्र, देखते हैं क्या क्या होता है हम लोग के साथ। तो गाइस मोटा भी नहीं आया है और उसने मेरे को बना दिया पागल, तो मैं बस यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ। बोला 5 मिनट में आ रहा है, तो देखते हैं कितने मिनट में आता है। वहाँ पे देख सकते हो इडली मिल रहा है। शिवम तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? फोन लगाओ ना, कब आएगा? तो पहला देता नींद मिटे साथ बुलेट ने बताओ हमर देवता है। कैसे कर रहे हो, सूत के नहीं आए हो क्या? तो भाई तुम्हारा क्लीवेज दिख रहा है भाई। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और मैं गया था शिवम को छोड़ने, क्योंकि अंकित चला गया था कुछ काम से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी बज रहे हैं गाइस 7:30 के लगभग, तो मम्मी भी डांटेगी लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम छोड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा ना। बस वो मैं छोड़ दिया कुमरार उसके घर के पास, मतलब घर ही में, और अभी जा रहा हूँ अपने घर और मैं वहीं पे हूँ अमृत पार्क के पास। तो यहाँ से मेरा घर अप्रोक्स 10 से 20 मिनट और होगा, जल्दी से घर पहुँचते हैं फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे और ये सीन हुआ था गाइस बाहर का कि हम मैं और अंकित शिवम सब लोग थे, पर शायद अंकित को कुछ काम आ गया, तो मैं और शिवम पाटलिपुत्र में बैठे थे बहुत देर तक, तो शायद अंकित फिर उसके बाद आया ही नहीं, तो उसने बोला कि जाके शिवम को छोड़ दो। तो शिवम को मैं छोड़ के आया उसके घर के पास और वहाँ से मेरे को अकेले आना पड़ा। तो आप लोगों को मैंने दिखाया था जब मैं आ रहा था उस समय का, तो अभी घर पे आ चुके हैं हम लोग। अब बज चुका था हम लोग को 7:30 और अभी बज रहे 8 और मेरा फ़ोन का बैटरी भी डाउन हो रखा है। और मम्मी गाइस शायद खाना बना रही है, तो गुस्सा कर रही थी कि कहाँ रहता है इतना देर तक, क्या करता रहता है। तो मैंने वही बताया कि बस वहीं छोड़ने गया था फ्रेंड को। तो गाइस कल से बाहर नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइस बाहर घूम लिया फिर लिया, मस्ती कर लिया दोस्तों के साथ, और अभी थोड़ा मतलब काम करूँगा, थोड़ा बिजी हूँ गाइस कल से थोड़ा सा, इस वजह से बाहर जाना थोड़ा जाएंगे गाइस लेकिन थोड़ा कम जाएंगे। वैसे आप लोग तो मेरे को जानते ही हो, मैं बोलता हूँ और वो करता तो ही, पर देखते हैं क्या होता है गाइस, वो तो कल ही पता चलेगा। और 3 दिन की जितनी छुट्टी थी सारी कंप्लीट और कल से कॉलेज स्टार्ट। तो मतलब मेरे को यही चीज़ अच्छा लगता है इंडियन, मतलब जितना फेस्टिवल होता है लगातार हो जाते हैं, मतलब एक साल में लगातार होता ही रहता है कुछ ना कुछ, फिर लास्ट त्यौहार होता है छठ, उसके बाद ख़त्म सारे त्यौहार। तो अभी कौन सा त्यौहार आने वाला है गाइस? अभी तो मेरा बर्थडे आने वाला है अगला महीना, तो आप लोगों ने तो 100 सब्सक्राइबर्स करवा ही दिए, तो उससे भी ज़्यादा करवा दो, अगर बर्थडे तक और ज़्यादा हो जाएंगे तो अच्छी बात है, वैसे मेरे को कुछ बुरा नहीं लगेगा वैसे आप लोग करवा दोगे। तो अब देखते हैं कितना देर में खाना बनता है, फिर हम लोग जल्दी सो जाएंगे खा पी के, फिर कल कॉलेज भी जाना है, तो फिर आप लोग को सुबह सुबह मोटो व्लॉग करके दिखाऊंगा मैं धूप में। तो देखते हैं कल का दिन कैसा होने वाला है, आज का दिन तो यही हुआ बाहर गए। वैसे आज गाइस मैंने शाम से व्लॉगिंग स्टार्ट किया था क्योंकि मैं उठा ही था 10 बजे के करीब, और फिर कल वाले व्लॉग एडिट करके उसको पोस्ट किया, उतने दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैं डायरेक्ट शाम में व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया और डायरेक्ट हम लोग बाहर निकल गए। तो
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस बाहर पे। तो कॉलेज गया था मैं, बाहर नहीं गया था और कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है क्योंकि गाइस एक क्लास सस्पेंड हो गया था और अभी बज रहे हैं 9:30 के अप्रोक्स। और ऐसे में छुट्टी होती है 10 बजे, लेकिन 1 घंटा पहले हो गई जैसे मैं आप लोगों को बताया कि क्लास हो चुके हैं बंद। और आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि आज मौसम इतना ही ज़्यादा मस्त है कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है फेस पे। वैसे अभी इस टाइम पर मैं जा रहा होता तो एकदम गर्म हवा मेरे मुँह पर एकदम लग रहा होता, लेकिन अभी इतना ही ठंडा हवा लग रहा है मुँह पर कि क्या बताऊं। एकदम सुहाना मौसम, सेक्सी मौसम हो रहा है। तो इस मौसम में मन करता है खाली बस अपनी हमनवा के साथ घूमते रहो, लेकिन हम लोग का कोई हमनवा हम सफ़र है नहीं, तो भगवान की रहमत रही तो होगा एक दिन, पर अभी तो नहीं है। तो रहता तो अभी हम लोग उसके साथ जाते हैं बंक पार्टी, लेकिन अभी जा रहे हैं हम लोग फाइनली घर। तो घर जाएंगे, उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे और मम्मी फिर से देख के मेरे को बोलने वाली है क्या कॉलेज जाता है रे तू, जाता है वापस आ जाता है, तो मैं क्या ही करूं। तो अभी हम लोग हैं गाइस ये मैं इसी गली से मैं जाता हूं हमेशा। तो सामने देखो वापस आ चुका है एयरपोर्ट, तो बस यहीं से जल्दी जल्दी निकलते हैं घर और घर पर जाके यहीं वाला व्लॉग एडिट करेंगे, फिर नया व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे गाइस। मैं तो डेली व्लॉगिंग करता है सब लोगों को पता है। और गाइस आप लोग देख रहे हो सामने एक लेडीज आ रही है, मैं एक चीज़ आप लोग को यही इसमें बताना चाहता हूँ वीडियो में कि आप अगर पीछे कोई भी लेडीज़ को बैठाते हो तो आप लोग देख सकते हो उनको एकदम अच्छे से अपना मतलब जो दुपट्टा वगैरह होता है वो अच्छे से उन्होंने फोल्ड करके रखा हुआ। तो जितने भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं या मतलब ऑब्वियसली ज़्यादातर बड़ी लेडीज़ ही पहनती हैं सलवार सूट, छोटी पहनती हैं लेकिन ज़्यादातर बड़ी पहनती है। तो उन लोगों को मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा अगर आप लोग बाइक पर बैठते हो तो अपना जो क्या बोलते हैं इसको दुपट्टा उसको फोल्ड करके बैठा करो क्योंकि एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर दुपट्टा बाइक के चक्के में फंस गया। तो वही चीज़ मैं उन आंटी को देख रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये चीज़ कि उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से लिया हुआ है और अच्छे से मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से बैठी हुई है। तो मैं आप लोग यही बोलना चाहता हूँ कि अपना जो भी मतलब बस जैसे सारी हो गया वो सब के फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा आराम से बैठो बाइक पे। तो ही मेरे को लग रहा था मेरे कॉलेज का लड़का है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि गाइस यहाँ पे एरोनॉटिक्स का भी कॉलेज है, इस वजह से हो सकता है उसी कॉलेज का वो स्टूडेंट। ठीक है गाइस मेरे को बस इतना ही मैसेज देना था, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो का बेस्ट पार्ट होगा कॉमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा कल आप लोग से एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड बाय। अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का भी ख्याल रखो।